क्राइम कंट्रोल के लिए जो है पुलिस के अपने परंपरागत जो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं, फिर जो आधुनिक जो साधन उपलब्ध हुए हैं, दोनों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के और इंटरेक्शन, हमारा जो सूचना तंत्र जो है इंटरेक्शन से मजबूत होगा, तो सूचना तंत्र को सक्रिय करके कोशिश करेंगे। हाँ, दिमाग में एक रूपरेखा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अधिकारियों में हम लोग अपने सब डिवीजन में जाकर रात्रि मुकाम करें, हमारे थानेदार अपने इलाकों में जाकर रात्रि मुकाम करें। जो ये परंपरागत पुलिसिंग है, पहले भी ये काम होता रहा है, लेकिन व्यवस्था ज़्यादा है इसलिए समय ज़्यादा निकाल नहीं पाते। और मेरा एक अब पहले थोड़े पहले तक हम फ्रेंडली पीपल, फ्रेंडली पुलिस की अवधारणा पर काम करना चाहते हैं, तो हमारे सिपाही, हमारे हवलदार, हमारे ASI जब भी इन इलाकों में जाएं तो लोगों से उनका इंटरेक्शन हो, उनकी बात हो, इनके फ़ोन नंबर जो हैं गांव में हो। अभी मेरे SP साहब लोग से बात नहीं हुई, हम लोग अभी बात करके अपना रूपरेखा तय करेंगे, लेकिन मेरी इच्छा यही है जो आप बोल रहे हैं कि हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि अगर मैं संकट में रहूं तो किससे संपर्क करूं जो मेरी मदद कर सकता है। हमेशा हमेशा करेंगे, हमेशा करती आई है पुलिस और आगे भी करते रहेंगे सर। लेकिन दूसरी बात देखा गया है, कोल माफिया अभी सक्रिय हो गए हैं, अभी धड़ल्ले से चल रहा है कारोबार। देखिए, ऐसा है, हर सूचना पे कार्रवाई करेंगे, किसी के साथ पुलिस नहीं रहेगी। जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी सूचना मिलेगी, कितना भी प्रभावशाली आदमी क्यों ना, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपराधियों के लिए सख्त रहेगी पुलिस 100%। कभी कभी पुलिस कई आरोप लगते रहते हैं, तो क्या ऐसे मामले में उस पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, आरोप जो है, आरोप लगना हम लोग के काम इतने भांति भांति के होते हैं कि हम लोग हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाते, हर आदमी को खुश नहीं कर पाते। एक होता आवेदक पक्ष होता है और एक होता आरोपी पक्ष होता है, दोनों में से कोई एक पक्ष जो है खुश होगा, एक पक्ष नाराज होगा। तो आरोप प्रत्यारोप जो है पुलिस लगते हैं, जांच होती है और जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है।